ਬੱਲੇ 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 ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਬੰਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਚ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨਿਊ ਟੈਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੇਨ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਰਾਤੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਲਾਵਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚ ਕਿਲੋ ਮੈਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰੇ ਚੱਲੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ 3 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਪਰ 6 ਹੋ ਗਏ 6:30 ਹੋ ਗਏ प्रीति सब तो घट समान चलो हूँ आप निकल जाइए सारी पैकिंग देख लीजिए कोई समान रहना जाए उस तो बाद आप अगे जाके मिलते हैं आप तो मिल ही सकते हैं यार अब समान जो रह गया फिर औखा हो जाऊगा तो समान देख लिए भला जल्द चलो जी एटीएम चो पैसे कटा ले तो घरों भी निकल चुके हैं आप टाइम पूरे पूरे दस दिना मैं 7:24 हो गए 7:24 तो निकल चुके हैं हूँ थोनू आप उत्थे मिलेंगे जब आप जितने आप पेट्रोल पवाना हैगी है पेट्रोल तो है वैसे पर पवा लें फिर फुल करा लें हाँ जी निकल चुके हैं और आ देख लो पटियाले का नवा बस स्टैंड बनया बन रहा हले मतलब अनकंप्लीट आ हले तो काफी सारा ही पे एक्चुअली सोना बनूगा यह मैं पर्सनली एवं लगता बाकी पता नहीं बाकी बनने तो बाद पता लगूगा मॉम हाउ मच एक्साइटेड ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੋ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੁਆਇਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕਦਮ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਗਰਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਮਥੁਰਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਆਗਰੇ ਚ ਮਥੁਰਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ पेन काफी हो रहा मैनू मैं राती भी ठीक तरह सो नहीं पाई मतलब एवं लगता जिम्मे जलन टाइप और जिम्मे सट लगती होंगी ना ऐदा करके और बंद कर थोड़ी जी लिपटी बैठी हाँ मैं मजबूरन मैनू मोटे कपड़े नहीं पाने पे टैटू करके क्योंकि फिर मैं अनकंफर्टेबल होना सी ये कोई कपड़ा टच नहीं होना चाहिए उन्होंने इदा कहा होर कोई भी कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो दिल की गल जो तुझी यू वांट टू से समथिंग पटियाले तो निकल के गल्ला करदे थोड़ी जी ठीक जो थोड़े जे ट्रैफिक च बिजी ने और उदे फोक जम रही है अंदरली साइड मिरर ते ता ग्लास ते ता इस करके थोड़ा जा कंसंट्रेट कर रहे ने उदे च आगरे गए हो पहले कौन नो सारा ना फर्स्ट टाइम है सारेयां दा फर्स्ट टाइम आ फर्स्ट टाइम ते ज्यादा एक्साइटमेंट हुंदी है कोई चीज फर्स्ट टाइम दिखनी होवे ना फर्स्ट टाइम रोटा अपना इधर हां जी ये भाई कुल्लू मनाली हिमाचल नहीं ठीक है चलो हम आप थोनू थोड़ा जा अगे जाके मिलते हैं ठीक है राजस्थान का टूर कटेंगे तो नहीं हां की कह रहे पापा राजस्थान राजस्थान भी पापा मैं सुनया बहुत सोना देखन जाएगा उथे शॉपिंग करने भी उथे बहुत सोनी चीजा ने है मम्मा इन्नी सारी शॉपिंग करके करांगे आप राजस्थान ठीक है राजस्थान किधर है राजस्थान राजस्थान च राजस्थान हैगा इन्हें पता भी राजस्थान ऐसा पता भी राजस्थान राजस्थान च है भी साइड केड़ी है दिल्ली की साइड हैगी है राजस्थान मम्मी जयपुर जोधपुर है ना उधर तो आगे आ शायद है ना पापा जयपुर जोधपुर चलो हम थोड़ा जा मिलते पहुंच गए जी कि पहुंच गए
ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਆ ਕਰਨਾ ਲੇਕ ਲੈਫਟ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਟਰੋਮ ਤੇ ਰੁਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਝੂਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਰੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਆ ਨਾ चौथे टायर च कहना बाल लीक है मैं चेक तो करो कहने बाल लीक है देख के दसता मैं अच्छा मैं हवा चेक करो जरा उन्हें हल्का पोला जहा लाया कहना देखो हवा लीक हो रही है मैं मैंने फड़ा हाँ चेक करने वाला तो इन्हें फड़ाया नहीं कहना कोई नहीं तुम नहीं पवाना ना पवा मैंने पैसा का कोई चक्कर नहीं है मैं तो फड़ा तो सी मैं आप चेक कर दा फड़ाया ही नहीं उन्हें चेक करने वाला नहीं फड़ाया मैंने पता हाँ तो अगर तुम ट्रिप पर जाने साढ़े वर्ग गलती ना करो हवा हुआ पहला भरा के चेक करके तुरो ठीक है रस्ते में थोड़ा यह जरूर मिलने वो सामने देखो वो सीगा फिलहाल मेनू पता नहीं केड़ी लोकेशन है शायद करना लेक क्योंकि उत्थे लिखा होया बाकी अगे जाके पता लगेगा करना लेक लिखा हो रे हां लेक वगैरह होनी है लेफ्ट मुड़ के कोई ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਟੈਟੂ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਟੈਟੂ ਵੀ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਬਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ ਸੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਾਂ ਹੂੰ प्यास भुख लगी ता असी पी सकदे आ किन्ना अच्छा लगदा ना जदों आपां किते रस्ते च रुके घरों बनाई हुई रोटी खाने आ है ना मतलब जिवें ਘਰੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹਨਾ ਰਾਈਟ ਪਰ ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਏ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ 11-12 ਵਜੇ ਰੁਕ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟਰਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਈਏ ਹਨਾ ਨਾਲੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ 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 ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਗਰਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਟੈਟੂ ਟੈਟੂ ਦੀ ਠੋਕਰਾ ਮਰੀ ਚੱਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਈ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰੈਡਿਸ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਟੈਟੂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਸ ਬੈਠੀ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਐਵੇਂ ਸੀ ਜਸਟ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਡਿੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿੱਗੀ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜਾਸਰ ਡਿੱਗੀ ਖਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋ ਉਸੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਰੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਯਾਰ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਗਰਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਕਰਾਤੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰਾਤਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ
जे उस तो पहला कोई गल आ गई फिर आपां कर लांगे, नहीं तो दिल्ली पहुँच के मिलांगे। गड्डी पार्क करती है पेट्रोल पंप ते, ते खाना पीना हो रहा थोड़ा जा। असी पहुँच गया फिलहाल औरंगाबाद, थोनू कहा असी भी दिल्ली पहुँच के मिलांगे है ना, सानू पता नहीं सीगा भी असी दिल्ली जाना ही नहीं। जे मैं उन्होंने कहा भी पता नहीं सी दिल्ली जाना नहीं जाना, तो मैं उन्होंने कहता से भी दिल्ली पहुँच के मिलते हैं, पर असी दिल्ली तो पहले ही मुड़ गए थे। तो फिलहाल असी औरंगाबाद हाँ, तो जोड़ा आगरे में जाता है 100 किलोमीटर का बाईपास, 100 नेड़े बाईपास आ, तो बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, ख़त्म नहीं होना चाहिए बाईपास, थक गए। तो फिलहाल 1 घंटे रस्ता रह गया, 68 किलोमीटर रह गया, और वृंदावन तुम दस दिना अं दो जगह होर जावे, आगरा के नाल जावे अं वृंदावन तो मथुरा वृंदावन कट्ठे ही ने वैसे, थोड़ा जा कट्ठे ला लो तो आगरे जावे सारे, थोड़े थके हुए सारे। क्यों किन्ने थके हुए हो? किन्ने थके हुए हो? बहुत थकावट होगी। थकावट चलो मैं थोड़े टाइम बाद गल कर दूँ, ठीक है ओके। लो जी पहुंच गए आप मथुरा, कृष्ण जी की जन्मभूमि ते। दो मंदिर पता लगे ने वैसे, साडा सारा ना फर्स्ट टाइम है तो पता नहीं इन्ना, पर दो मंदिर पूछे ने, पहला जन्मभूमि जिथे कृष्ण की जन्मभूमि उत्थे पहला टेंपल, दूजा जन्मभूमि, दूजा उत्थे प्रेम मंदिर कहिंदे रात नूं देखण दा मजा, मतलब बड़ी वधिया लगू, उह वृंदावन च 10 किलोमीटर उरों। ते पहला आपां उरे मत्था टेक लैणे आ ते देख लैणे उरे जो देखण वाला, उस तों बाद आपां चलांगे डायरैक्ट प्रेम मंदिर ते रहांगे उत्थे ही, प्रेम मंदिर दे कोले कोई स्टे होणी है ना, रहांगे तां उत्थे। चलो हुण आपां गड्डी पार्किंग च लाती, चलो निकलदे आ। बहुत शिद्दत नाल ते, चलो शिद्दत नाल मत्था भी टेकया गया, पर साडे नाल नाल असीं थोड़े सारिआं दे भी दर्शन कराना चाहुंदे सीगे, जो कि साडे लई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया। एंड क्यों? क्योंकि फोन उन्होंने अंदर नहीं लिया दिता, फोन नहीं लेके जान दिता, फोन एप्पल वॉच हेडफोन मतलब सारा कुछ जमा करा लिया उन्होंने, और साडा इन्ना मूड अपसेट होया सीरियसली, गड्डी दी चाबी भी जमा करा ली उन्होंने, तो असीं तां दर्शन कर ले, सानू बहुत वधिया लग्या, ठीक है, बहुत खुशी हुई सानू मत्था टेक के, अंदर मतलब अंदरों शांति मिलदी, वो मिली आ, मम्मी ने भी टेकया मत्था, बहुत हां शांति मिली, बस पापा ने नहीं टेकया क्योंकि पापा ने साडा स्थान सारा बाहर फड़ के खड़े सी, तां पापा ने टेकया सी, तिन्नां ने टेक लिया मत्था। पापा कहंदे टेक ले ना, नहीं पापा कहने मैं वृंदावन जाके टेकूंगा मत्था। चलो हुण पार्किंग चले आ, हुण आपां तुहानूं डायरेक्ट वृंदावन जाके ही हाँ मिलदे आ, हुण वृंदावन लभना पऊगा तां आपां उत्थे तुहानूं पहुंच के मिलांगे। असीं पहलां थोड़ी कोशिश कर लईए, मेहनत कर लईए, पर असीं तुहानूं दिखाई जावांगे वी असीं लभ रहे आं तां गल नहीं बननी, लभ के फिर मिलदे आ। बल्ले 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 भीड़ होए वृंदावन च भीड़, ए भी लग गई मैं गुस्से च सारे नु गाला गड्डी जाना, मैं इरिटेट होया पया हां, और मैं गुस्से सब नु गाला गड्डी जाना। कैमरा नंबर कितना आपका? 114 साडे वाले दा, 115 थोड़े वाले दा, लाइटा मत से मुते बाकी थानू
अपना रूम याद है केड़ा सी? ते पापा मम्मी वाला तो इधर है। मम्मी पापा वाला ये वाला। हाँ। पटा लो होगा। पक्का बता? सड़ा नहीं हो? ना मुड़े यार। थोड़ी तो बैगी है। ठीक है। तो आज़ो नेत्री आज़ो। इधर ही आ रहा पापा। थोड़ी देर में। हमने मैच देख के लग गया दो बार। ना जाना ना। बाहर आ गए भी पापा मैच देख। थोनू मंदिर के दर्शन कराए ने असि। होप सो थोनू वधिया लगे होणगे। ते बाकी इस वालों इतने एंड करते हैं रूम टूर मिलू थोड़ा अगले ब्लॉग से कल सवेरे हम बहुत थके हुए हैं हम बस एडिटिंग कर दो मैं ब्लॉग में लाइक कर दो कमेंट कर शेयर कर दो बहुत मेहनत लगी अगले ब्लॉग से व्हाट्सएप स्टोरिया इंस्टा स्टोरिया जरूर शेयर कर दो चलो जी मिलते हैं लव यू।